अच्छा बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे थे पर्सनल हैप्पीनेस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्चुअली हमारा पर्सनल हैप्पीनेस जो है वो एक्चुअली फोर पर्सपेक्टिव्स के थ्रू आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये फोर पर्सपेक्टिव्स हैं तो इट मीन्स कि आप एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। अब यहाँ तक तो हो गया, ये मतलब जो उसकी डेफिनेशन है या जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने डिफरेंट अपने लिए स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। अब पर्सनल हैप्पीनेस पे जब रिसर्चेस की गई तो बहुत सी जगहों पे ये देखा गया कि तकरीबन बहुत से इवन ऐसे कंट्रीज में भी जहाँ पे अगर आप उनके लिविंग कंडीशंस को देखें, उनकी हेल्थ की कंडीशंस को देखें और डिफरेंट और फैसिलिटीज को देखें, लिविंग फैसिलिटीज को देखें, तो मे भी कहा जा सकता है कि वो लोग मतलब उस हिसाब से या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन लोगों को तो बिल्कुल भी खुश नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो लोग अपनी लाइफ से बहुत खुश थे। अब जब उन्होंने उसकी रीजंस पूछी तो उनके पास डिफरेंट रीजंस थे। हो सकता है मतलब यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर आप एक लाइफ गुजार रहे हैं और आप अपने साथ रहने वाले लोगों से खुश हैं, आप अपने इर्द-गिर्द अपने दोस्तों से खुश हैं, बहन भाइयों से खुश हैं, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा खुश हैं, तो इट मीन्स आप हैप्पी हैं। अब आप अपनी जॉब से खुश हैं तो आप हैप्पी हैं। अब यहाँ पे जॉब से खुश होने के लिए उन्होंने जॉब की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताई कि अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब करेंगे तभी आप खुश होंगे, या अगर आपके पास अगर कोई 3-4 लाख पे वाली जॉब होगी तभी आप खुश होंगे, या आपके पास घर में रहने के लिए बहुत अच्छा या बहुत बड़ा या इस तरह का घर होगा जिस तरह के आइडियल घर होते हैं उस टाइप का घर होगा तब आप खुश होंगे, या तो इस इट मीन्स कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये चीजें जो बताई हैं इसको उन्होंने सब बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि कल्चर टू कल्चर चीजें वेरी कर रही होती हैं। अगर आप बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज को देखें, वहां के लोगों को देखें, अब उनका भी इवन जो हैप्पीनेस का लेवल है वो बहुत ज्यादा 80% या 70% लोग वहां पे बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, लेकिन अगर आप उनकी कंडीशंस को देखें तो आप लोगों को लगेगा कि इन लोगों को तो हैप्पी होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनकी ये चारों डोमेन्स कंप्लीटली फुलफिल हो रही हैं तो इट मीन्स कि वो एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। इसी तरह हम लोग अगर देखें बहुत से गरीब लोग हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पे अब वो खुश क्यों है, क्योंकि उनकी पर्सनल हैप्पीनेस खुश है, वो अपने इर्द गिर्द रहने वाले अपने रिश्तों से बहुत ज्यादा खुश हैं, वो उनसे टोटली सेटिस्फाई हैं, उन्हें उनसे कोई शिकायतें नहीं है, वो अपने काम से खुश हैं, उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, फिर उसके साथ साथ उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम है, तो ये सारी चीजें मिलकर उनकी पर्सनल हैप्पीनेस को और ज्यादा बढ़ा रही है। ठीक है बच्चों, समझ आई है इस बात की? जी मैम, कोई कंफ्यूजन हो? लगता है सबको समझ आ ही गई है। अब इसके साथ साथ बच्चों कुछ एक्चुअली फैक्टर्स हैं जो कि हमारी पर्सनल हैप्पीनेस पे किसी ना किसी तरह से अफेक्ट भी डाल रहे होते हैं। अब उनमें से कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं कि जो पर्सनल हैप्पीनेस को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो जैसा कि उसकी डेफिनेशन से ही हम लोगों ने देखा है कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स या पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा होंगे तो और नेगेटिव इमोशंस कम होंगे तो उतने ही ज्यादा आप एक हैप्पी और सेटिस्फाइड पर्सन होंगे। अब पॉजिटिव इमोशंस, अगर आप अपनी 10 या 12 हजार वाली जॉब से भी इंतहाई खुश हैं, आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप एक हैप्पी पर्सन। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए ये सोच रहे हैं कि नहीं ये चीजें ऐसे क्यों चल रही हैं, वैसे क्यों चल रही हैं, चीजों को ऐसा नहीं होना चाहिए था, चीजें इस तरह से खराब हो रही हैं, तो वहां पे जाके आप एक नेगेटिव व्यू भी शो करने लग जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इन सब चीजों में इसको देखा जाता है कि आप जितने ज्यादा आप चीजों को पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा आप एक हैप्पी पर्सन होंगे, और जितनी ज्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी कम होती जाएगी उतने ही ज्यादा आपकी इवन फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और ये सब है मतलब ये सब चीजें भी आपकी उतनी ही ज्यादा अच्छी और आगे बढ़ती जाएंगी। इसके बाद अगर जो सेकेंड फैक्टर्स बहुत ज्यादा देखा गया है तो वो है बच्चों गुड सोशल रिलेशनशिप विद अदर पीपल, कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से किस हद तक खुश होते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से बहुत ज्यादा खुश हैं, आप अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा खुश हैं, आप बहन भाइयों से बहुत हर तरह से खुश हैं, आपको उनसे आपका रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा जा रहा है, आप उनके साथ हर बात किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, किसी भी आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कस करने के साथ साथ बल्कि उनके पास आपके लिए टाइम भी है और वो आपकी प्रॉब्लम को सुन भी रहे हैं, तो ये चीजें भी आपकी वेलबींग के लिए और आपकी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। क्योंकि जब आपके पास इर्द गिर्द आपके दोस्त ही नहीं होंगे, आपके बहन भाई नहीं है, आपके पेरेंट्स नहीं है, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो वो चीजें आपको और ज्यादा एक तकलीफ में डालती जाएंगी, या आप अपने आप को और ज्यादा ब्लेम करते जाएंगे हर बात के बारे में,
आप खुद को तकलीफ देते जाएंगे, उन चीजों को इस तरह से करते जाएंगे। तो इसीलिए हमारे जो दूसरों के साथ सोशल रिलेशंस होते हैं, वो सोशल रिलेशन जितने ज्यादा क्लोज, जितने ज्यादा अच्छे होंगे, आप अपने फैमिली के साथ जितने ज्यादा क्लोज हैं, तो जितने ज्यादा क्लोज होंगे तो उतने ही ज्यादा आपकी जो हम इवन जब हमारा फैमिली सिस्टम या हम लोग एक दूसरे के साथ क्लोज होंगे तो आपको पता है बच्चों हमारी जो सोसाइटी है वो भी ज्यादा वेल्दी हो जाएगी। वेल्दी इन द सेंस, वेल्दी इन द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, इन द सेंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इन द सेंस ऑफ सोशल सपोर्ट, क्योंकि ये सारी चीजें मिलके आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे भी, इवन फिर इसके साथ साथ आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, आप एक लंबी जिंदगी गुजारते हैं, आप ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारते हैं, आप चीजों को ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग आपके साथ हर वक्त रहते हैं, आपके दुख में भी, सुख में भी, हर चीजों में। इसी तरह कहीं ना कहीं डिफरेंट और फैक्टर्स भी हैं, डिफरेंट और चीजें भी हैं जो कि हमारी सोशल हैप्पीनेस पे इफेक्ट डाल रही होती हैं, जिसमें देखा जाए तो हमारी बच्चों और आप ये कहने के हमारे मटेरियलिस्टिक जो रिसोर्सेज हैं, जैसा कि हमारी इकोनॉमिक है, और इसके अलावा आप ये आप एक अच्छा घर लेना चाह रहे हैं, आप एक अच्छी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हवाले से हम इसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि वो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं है या आपको उन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। इस तरह हमारे मतलब इनको हम कह सकते हैं कि हमारे कुछ कंक्रीट गोल्स होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय कंक्रीट गोल्स? कंक्रीट गोल्स के हम लोग एक अच्छी जॉब लेना चाह रहे हैं, इस स्टैंडर्ड की जॉब लेना चाह रहे हैं, फिर आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप सीएसएस का एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए आपकी एफर्ट हो रही है, अब लकीली आपको मिल गया है, तो वो आपके एक हैप्पीनेस का एक अलग लेवल होता है। उस हैप्पीनेस के बाद आप डिफरेंट और काम आपने अपने अपने लिए सोचे होते हैं कि मैंने ऐसा घर बनाना है, ऐसे ड्रेसेस लेने हैं, या फलां चीज ऐसी लेनी है, वो चीज मैंने इस तरह से खरीदनी है, तो ये कंक्रीट गोल्स भी आपकी हैप्पीनेस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन नो डाउट बच्चों, ये उन्होंने थर्ड कैटेगरी में रखा है। सबसे पहले आप अगर बाकी चीजों से या आप इमोशनली जितने ज्यादा स्ट्रोंग होंगे, इमोशनली स्ट्रोंग होने के बाद ही इन चीजों की तरफ आपका ज्यादा ध्यान जाएगा। कंक्रीट गोल्स की समझ आ गई है बच्चों? जी मैम। उसके बाद बच्चों कंक्रीट गोल्स के बाद नो डाउट वेल्थ जो है, यानी कि दौलत या आगे बढ़ना या पैसा, ऑब्वियसली हैप्पीनेस में पैसा भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है किसी ना किसी हवाले से, क्योंकि आप हम सब लोग पैसों के बगैर रह भी नहीं सकते बच्चों। तो इससे रिलेटेड मतलब आप एक अच्छा घर खरीदना चाह रहे हैं, आप अपने लिए एक अच्छी एजुकेशन चाह रहे हैं, आप अपने हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा चाह रहे हैं, आप अपनी डिफरेंट और नीड्स हैं जो आपकी डेली लाइफ की, आप उन्हें सबसे अच्छा चाह रहे हैं, तो उनको अच्छा करने के लिए भी आपको पैसों की जरूरत होती है, और वो पैसा भी आपके आप वेल्थ और हैप्पीनेस में मतलब बहुत मतलब इससे रिलेटेड जो भी रिसर्चेस देखी गई है, तो वहाँ पे बहुत से कुछ लोग मतलब बहुत सी रिसर्चेस में देखा गया है कि पैसे की वजह से लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चेस में ऐसा नहीं भी देखा गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी भी राउंड द ग्लोब ये एक बहस चल ही रही है, लेकिन हाँ ये एक टूल है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक मतलब थोड़े सेटिस्फाई होते हैं कि आपके पास अगर आपको किसी ना किसी टाइम पे कोई चीज चाहिए है तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप थोड़े से टेंशन में रहते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं आपको अगर किसी टाइम पे फलां चीज की जरूरत पड़ी और अगर वो आपको ना मिला तो क्या होगा, तो फिर आप कैसे चलेंगे। तो अब इससे रिलेटेड मतलब एक क्वेश्चन या एक सर्वे उन्होंने किया था कि क्या वेल्थ जो है वो हैप्पीनेस के साथ लिंक करती है, और या फिर जो हमारे सोशल रिलेशंस है वो हैप्पीनेस के साथ लिंक करते हैं। तो बहुत से कंट्री जो कि हमारे लिए डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि इटली है, यूएस है, साउथ कोरिया या फलां, ये सारे कंट्रीज में ये देखा गया था कि पैसा आपको आगे जाने के लिए या बढ़ने के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता जितना ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स और सोशल प्रोस्पेरिटी जरूरत होती है। यानी कि आपने देखा है कि उनके जो कल्चर है वो एक्चुअली कलेक्टिव कल्चर नहीं है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में रहते हैं। अब इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में क्या होता है, आपके साथ वाला कोई कुछ कर रहा है, इवन आपके बहन भाई कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप उनको कोई सजेशन दे नहीं सकते, आप उनको कोई बात बता नहीं सकते, आप उनसे इस तरह से कोई भी बात को अलग तरह से रिलेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ तभी ये सब कुछ कर सकेंगे जब आपके पास कुछ होगा। वहां पे लोगों के पास दौलत तो है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास सोशल प्रोस्पेरिटी इतनी नहीं। लेकिन अब अगर हम दूसरे कंट्रीज, पाकिस्तान या इंडिया के एग्जांपल लें, तो उन्होंने फिर ऐसे कंट्रीज को भी देखा था कि जहाँ पे वो एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अभी अपनी कहने के डेवलपिंग में लगे हुए हैं, तो वहां पे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ये मतलब दूसरे नंबर पे उनके लिए इनकम सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकम सबसे ज्यादा चाहिए और इनकम के बाद उनके लिए सोशल प्रोस्पेरिटी जरूरी है।
तो इस तरह की मिक्स रिसर्च है। अब आप में से बहुत से लोग हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वाले से डिफरेंट हो सकता है, बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि हमारे लिए सोशल प्रोस्पेरिटी ज्यादा जरूरी है, नो डाउट बच्चों वो तो सबसे पहले जरूरी है ना, बाकी चीजें भी उसके साथ जरूरी है, लेकिन उसके साथ बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सोशल प्रोस्पेरिटी के साथ आपके लिए पैसा बहुत जरूरी है, और हो सकता है कुछ बोलें कि नहीं जी सबसे पहले पैसा ही जरूरी है, बाकी चीजें हमारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती, या हमारे लिए और बहुत से लोगों के लिए जो हमारे कंक्रीट गोल्स होते हैं, यानी कि एक अच्छी जॉब या एक अच्छा स्टेटस आपका सोसाइटी में, एक अच्छा घर या आपके लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हों, वो आपकी हर तरह की जो नीड्स हैं उनसे मीट अप करते हों, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो ये चीज़ें हैंड इन हैंड चलती रहती हैं। आप किसी भी चीज़ से कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को आप ये कह लें कि बच्चों आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज़ को अलग नहीं कर सकते। समझ आ रही है बच्चों? मुझे तो लगता है कि आप सारे सो चुके हैं। नो मैम, जाग रहे हैं। जाग रहे हैं। आप लोगों ने मुझे ये कहा कि आपको फलां चीज समझ नहीं आई, तो फिर मैंने वो बिल्कुल नहीं समझानी, क्योंकि इस टाइम पे तुम लोग कुछ नहीं पूछते, ये चलो उस टाइम नहीं पूछना, अगले दिन पढ़ के ही आ जाया करो और उसके बाद ही पूछ लिया करो बच्चों। चले खैर, इसको पढ़ने की ट्राई कीजिएगा ताकि आपको अगर इसमें से कुछ नहीं समझ आया तो फिर हम उसको देखें। अच्छा बच्चों, अब इसके साथ साथ मतलब यहाँ तो हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े जो कि हमारे हैप्पीनेस से रिलेट कर रहे थे, हैप्पीनेस को किस किस तरह से अचीव कर सकते हैं हम, हैप्पीनेस को किस किस तरह से लेके चल सकते हैं, वो सारी चीजें हैंड इन हैंड चलती रहती हैं। अब इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक और क्वेश्चन भी अराइज होता है। अब वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जरा बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इज हैप्पीनेस हैविंग व्हाट यू वांट और वांटिंग व्हाट यू हैव। अब क्वेश्चन की समझ आई है बच्चों? इज हैप्पीनेस हैविंग व्हाट यू वांट और वांटिंग व्हाट यू हैव, यानी कि अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज किया गया था पर्सनल हैप्पीनेस से रिलेटेड, कि क्या हम लोग सिर्फ तभी हैप्पी होते हैं जब हम लोग जो चाह रहे होते हैं वो हासिल कर लेते हैं, या जो हमारे पास होता है हम उसे चाहने लग जाते हैं तब हम ज्यादा हैप्पी होते हैं। तो आप बताएं जरा क्या लगता है आपको कि क्या होता है? मैम, जो चीजें हमारे पास होती है ना तब हम ज्यादा हैप्पी होते हैं, जरूरी नहीं है कि हम कुछ पा के फिर कुछ हो, जो हमारे पास है हम उस पे भी ज्यादा खुश हो सकते हैं सब्र शुक्र करके। जी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और डिफरेंट उनसे रिलेटेड व्यूज हैं। और बच्चों, और कोई क्या कह रहा है? मैम दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं, सम टाइम हैप्पीनेस आपको तभी मिल सकती है जब आप जिस चीज की विश कर रहे होंगे वो पा लेंगे, और सम टाइम आप ऐसे कंडीशन में होते हैं कि आपके पास जो है आप उसमें हैप्पी हो जाते हैं। जी, सिचुएशंस मैटर करती है। बाज़ोकात हम लोग जो चाह रहे होते हैं जब तक हमें वो ना मिले तो ऑब्वियसली हमारी हैप्पीनेस तब भी अच्छी नहीं होती। आप पढ़ रहे हैं, डिग्री आपके लिए एक हैप्पीनेस है, लेकिन अगर डिग्री नहीं मिल रही तो आप हैप्पी नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह ना करे बीच में कोई मसला हो गया है, कोई और प्रॉब्लम आ गई, एनवायरमेंटल कुछ ऐसी आ गई, घर के सर्कमस्टांसेस एकदम चेंज हो गए हैं, अब आपको वो चीज अनफॉर्चुनेटली आप बाय लक वो छोड़नी पड़ गई है। अब उसके छोड़ने की वजह से बाद में आप थोड़ा सा सब्र की तरफ या तवक्को की तरफ आ रहे हैं तो आप तब भी हैप्पी कहीं ना कहीं हो जाते हैं, लेकिन उस चीज का जो ना पाना है वो भी कहीं ना कहीं आपको तंग कर रहा होता है। तंग वो तब ज्यादा करता है बच्चों, या आपके लिए तब ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आता है जब आप उसको हासिल कर रहे हो या उस रास्ते पे हो और बीच में आपको छोड़ना पड़ गया हो। लेकिन जब एक चीज आप ले ही नहीं पा सकते, आपको पता होता है हमारे लिए वो चीज है ही नहीं, हम उसको नहीं हासिल कर पाएंगे, या हमारे फैमिली सर्कमस्टांसेस बात की इजाजत नहीं दे रहे, तब आप उस चीज को ओवरकम करना हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये भी एक चीजें जो है वो हैंड इन हैंड ही चलती रहती हैं। अब यहाँ पे बच्चों आपकी क्लास की टाइमिंग हो रही है एंड इसको हम कल यहीं से दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो आपको नहीं समझ आया उसको दोबारा से देख लेंगे, ठीक है? ओके मैम। अरे आज आई नहीं है, मुझे लगता है मे भी उनकी तरफ कोई लाइट का या कुछ इस तरह नेट का इशू हुआ होगा, इस वजह से नहीं आ पाई वो। जी ओके बच्चों, अब इसको प्लीज पढ़ने की थोड़ी ट्राई कीजिएगा, हिम्मत कीजिएगा, पढ़ आप लेंगे तो अगर कुछ नहीं समझ आया या कुछ आपको नहीं पता लगा कुछ भी हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लिया करें। अटेंडेंस मैंने आपकी पहले ही ले ली थी, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि कोई नया स्टूडेंट आया, सारे पुराने ही हैं निगत के सिवा। मैम जी 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 बच्चों, इकरा आप थी पहले भी। मैम कॉन्क्रीट गोल्स का बताना। किसका?
कॉन्क्रीट आइडियाज का कह रही है कि जिसमें हम लोग जी बच्चों कॉन्क्रीट आइडियाज होते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपने लिए एक सेट बनाया होता है डिफरेंट चीजों का, या हम लोगों ने अपने लिए कुछ गोल्स सेट किए होते हैं. जैसे आपने फॉर एग्जांपल गोल सेट किया है कि आपने एक बहुत अच्छा टीचर बनना है, या आपने एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना है, या आपने एक वहाँ उस अदारे में एक अच्छी जॉब लेनी है, या मैंने ये फला डिग्री अच्छे नंबरों से लेनी है, या इस सब्जेक्ट में मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, जॉब लेने के बाद मैंने किसी ऐसा घर बनाना है, या ये गाड़ी लेनी है, ऐसे ड्रेसेस लेने हैं. यानी कि वो चीजें जो कि हमारे मटेरियलिस्टिक गोल्स से रिलेट कर रही होती हैं, वो हमारे कंक्रीट गोल्स होते हैं. यानी कि उन गोल्स को हासिल करने की वजह से हम हैप्पी हो रहे होते हैं. समझ आ रही है इकरा? यस मैम. मतलब मैम कोई भी ऐसे गोल जो मटेरियलिस्टिक हो. जी बच्चों, क्योंकि ऑब्वियसली आपको लाइफ में आगे जाने के लिए मटेरियलिस्टिक गोल्स की भी तो जरूरत पड़ती है ना. आप उनके बगैर भी कुछ नहीं होते. तो वहां पे फिर होते हैं हमारे कंक्रीट गोल्स. एंड कंक्रीट का मतलब ही होता है ना कि वो चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं. सॉलिड आईडिया. जी जी बच्चों, थैंक यू बच्चों. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.